जयन वॉरियर्स कैसे हैं आप सभी उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे तो वॉरियर्स आपके एयरफोर्स के इंटेक जीरो टू टू जीरो का यहां पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो आपके इस इंटेक के फॉर्म फिलिंग से लेके फाइनल सिलेक्शन यानी फाइनल ज्वाइनिंग तक का क्या सफर रहने वाला है किन किन स्टेज को आपको पार करना है उसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाला है इस पर्टिकुलर सेशन में और साथ ही साथ सबसे जरूरी बात क्या यह भर्ती क्या इंटेक परमानेंट होगा इस पर भी अपन डिस्कस करेंगे लास्ट में सबसे पहले बच्चे आपके बात करते हैं देखो आपके जो इंपोर्टेंट है, करते हैं आपका नोटिफिकेशन आज रिलीज हुआ आप से भर पाएंगे? 8 जुलाई से आप अपने फॉर्म भर सकते हैं सिंगटेक के लिए लास्ट डेट क्या रहेगी अट्ठाईस जुलाई यहां पर डेट है एडमिट कार्ड भाई आपका एग्जाम बच्चे होना अठारह अक्टूबर से स्टार्ट है तो मोस्ट ऑफली फर्स्ट वीफ अक्टूबर में तकरीबन आ जाना चाहिए और रिजल्ट जो है स्टेज वन के एग्जाम का विदिन 30 जाता है। तो तक नवंबर को, को लिए एलिजिबल कौन कौन है कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं उसकी अपन बात करते हैं तो देखिए आपको पता है एयरफोर्स में साइंस और नॉन साइंस यानी एक्स और वाई दो ग्रुप होते हैं इसके लिए अब बच्चे बात करें तो साइंस ग्रुप के लिए अगर अप्लाई करना है चाह रहे हैं आप तो साइंस ग्रुप के लिए आपको ट्वेल्थ पास होने चाहिए 50 परसेंट आपके एग्रीगेट मार्क्स हो पीसीएम में और साथ ही साथ 50 नंबर आपके होने चाहिए किसमें इंग्लिश में ट्वेल्थ में, में 50 नंबर यहां पे होने चाहिए

जनवरी दो हजार आठ के बीच में है तो वो सभी वॉरियर्स यहां पे इस, इस, इंटेक वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं बात करें इसके बच्चे सिलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहले यहां पे आपका स्टेज वन में जो होगा स्टेज वन में बच्चे आपका होगा सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये जब आप क्लियर कर देंगे उसके बाद में आपका होगा बच्चे फेज सेकंड फेज टू या फिर स्टेज टू आप कहें उसमें तो सबसे पहले आपका होता है पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट उसके बाद में आपका होगा जीडी ग्रुप डिस्कशन इसके बाद आपका होते हैं मेडिकल एंड मेडिकल के बाद में आती है आपकी पीएसएल लिस्ट फिर आपका, तक का हैं. की मैं बात करूं तो सीबीटी एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया साइंस और नॉन साइंस दो ग्रुप है अपने एक्स ग्रुप में 25 क्वेश्चन मैथ इलेवन जो मैथ पढ़ी है टेक्निकल मैथ पच्चीस क्वेश्चन फिजिक्स और बीस क्वेश्चन इंग्लिश के आपको देखने को मिलते हैं टोटल सत्तर नंबर का सत्तर क्वेश्चन यहां है है ना रहता है पेपर नॉन साइंस वाई ग्रुप की बात करूं टोटल 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रागा के रहते हैं कुल मिलाकर पचास क्वेश्चन पचास नंबर का बचे आपका नॉन साइंस ग्रुप का पेपर रहेगा सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसके अंदर आपकी जो मार्किंग स्कीम होगी भाई साइंस ग्रुप में आपको 60 मिनट मिलते हैं पेपर करने के लिए हर एक सही क्वेश्चन के लिए एक नंबर और नेगेटिव के लिए पॉइंट फाइव की यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है जबकि बात करें नॉन साइंस ग्रुप की तो 45 मिनट का टाइम मिलेगा आपको हर सही क्वेश्चन के लिए एक नंबर और पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फाइव की यहां पर भी जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी नॉन साइंस ग्रुप में क्लियर जब बच्चे आपका सीबीटी एग्जाम हो जाएगा सीबीटी एग्जाम आप जो क्लियर कर देंगे स्टेज वन का आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में होगा आपका फेज टू फेज टू में आपका सबसे पहले होता है पीएफटी फिजिकल फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका देखो सबसे पहले क्या होता है 1600 मीटर या फिर मैं कहूं 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है जिसमें मेल जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें मिलता है तकरीबन सात मिनट का टाइम और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें मिलता है इसको कंप्लीट करने के लिए आठ मिनट का टाइम फिर उसके बाद में बीस स्कॉट्स यानी उठक बैठक होते हैं मेल के लिए और पंद्रह यहां पर फीमेल के लिए जो है स्कॉट्स होते हैं दस पुशअप करनी पड़ती है मेल को और दस सिटअप और दस दस सिटअप होते हैं मेल और फीमेल के लिए यहां पे फेज टू में पीएफटी के टाइम क्लियर बिल्कुल नेचर का PFT के कोई मार्क्स इंक्लूडेड नहीं है जो बच्चे क्लियर करते हैं उनका फिर होता है आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कस कराया जाता है डिस्कशन आप उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आप उसके बारे में फेवर में अगेंस्ट में दैट kind of का बच्चा बिल्कुल क्वालिफाइड नेचर का मार्क्स यहां पे आपके फाइनल मेरिट में नहीं होंगे

तो विदाउट ग्लासेज जो आपकी बेटर आई सिक्स बाई सिक्स होनी चाहिए और वर्स्ट आई सिक्स बाई नाइन हो सकती है लेकिन विद ग्लासेज आपकी बेटर और वर्स्ट आई दोनों ही भाई साहब यहां पे सिक्स बाई सिक्स बच्चे होनी कंपलसरी है इसके अलावा टिथ में चौदह डेंटल पॉइंट आपके काउंट होते हैं आपके नौकरी वगैरह फ्लैट वगैरह है ना ये सारे पॉइंट वहां पे मेडिकल में आपके चेक किए जाते हैं ना और जो बच्चे मेडिकल को पास कर लेते हैं फिर फाइनली उनकी आती है बच्चे पीएसएल लिस्ट पीएसएल लिस्ट में आपने जो सीबीटी एग्जाम दिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है उसमें आपका कितना स्कोर रहा उसी के बिहाफ पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है है ना सिर्फ इसी के नंबर से एड होंगे बाकी सारे जो स्टेप हैं बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर है Clear? ये बच्चे आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और जो मैंने सबसे जरूरी बात की थी कि क्या ये जो इंटेक है वो परमानेंट होगा क्या भर्ती परमानेंट हो सकती है मेरे भाई देखो समझो बात को ना हाल फिलहाल में आपको न्यूज में बहुत सारी खबरें सुनने को देखने को मिल रही है ना हाल फिलहाल में जो नव नवनिर्वाचित सरकार है एनडीए की उसने और उसके अलावा भारतीय सेना ने अग्निवीर जो योजना है उसकी समीक्षा के लिए यहां पे समिति जो है गठित की गई है जो आ, लगातार सुझाव बता रही है कि इसमें इंप्रूव इंप्रूव कर सकते ये इंप्रूव कर सकते सकते हैं हैं तो उम्मीद ऐसी की जा रही है अग्निवीर को खत्म भी किया जा सकता है अग्निवीर योजना को खत्म करके जो हंड्रेड परमानेंट रिक्रूटमेंट है जो पहले का जो हुआ करता था सेम वही चीजें यहां पर दोबारा से लागू करने की पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है तो किसी बच्चे को यह सोच के ऐसा नहीं करना है कि सर अग्निवीर मैं प्रिपरेशन करूं नहीं करूं मेरे भाई पूरी पूरी उम्मीद है अग्निवीर योजना अग्निवीर योजना को वापस लेके दोबारा जो परमानेंट रिक्रूटमेंट जो वैकेंसी थी वही यहां पे इंक्लूड करने की देखा हो सकता है तो अब आराम से बढ़िया से तैयारी करनी है किसी बच्चे को डीमेट नहीं होना अग्निवीर को लेके अब देखो पेपर तुम्हारा अठारह अक्टूबर को है टाइम अगर मैं कहूं कुल मिला के तुम्हारे पास में चार महीने का बच गया है, इन चार महीनों में दमदार तैयारी करो और जब डरने की क्या बात उत्कर्ष परिवार तुम्हारे साथ है अगर आप एयरफोर्स के इनटेक जीरो टू टू जीरो टू फाइव के बच्चे अगर प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो यहां पे आप सभी के लिए वरदान बैच जो है लॉन्च हो चुका है जो आपका स्टार्ट होगा कब से 21 जून से स्टार्ट होगा वरदान बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है ठीक है कहां पे मिलेगा ये आपको उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पे मिलेगा चाहे आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करना चाह रहे हैं चाहे वाई ग्रुप या फिर एक्स वाई ग्रुप और अभी जो है देखो समर चल रही है लेकिन समर के साथ साथ आपके लिए बिग समर सेल भी बच्चे यहां पर आ चुकी है जिसके अंदर उत्कर्ष एप में डिफेंस के अपने जो भी ऑनलाइन कोर्स है सब पे आपको अपटू नाइनटी परसेंट तक तो का डिस्काउंट इसके अलावा एडिशनल 13 परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है बाय यूजिंग द कोड यू थर्टी ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम तक है कब है? 14 से चौदह से लेकर बीस जून तक है तो इसको ऑफर का बेनिफिट जरूर उठाइए वरदान बैच में जुड़ आप अल्टीमेट साथ साथ की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो एनडीए के भी कोर्सेज हैं इसके अलावा एयरफोर्स का मैंने जो आपको बताया वरदान बैच चाहे एक्स ग्रुप वाई ग्रुप चाहे फिर कॉम्बो की कैरी करना चाह रहे हैं इसके अलावा नेवी एमआर एसएसआर कोस्ट गार्ड जी डी हर एक एग्जाम के लिए बच्चे पर्टिकुलर कोर्सेज आपको

अपने उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी का जो कैंपस है जो कि लोकेटेड है मंगल बाकी अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी हो तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से क्लियर हमारी पूरी टीम आप सभी के लिए ट्वेंटी फोर इंटू सेवन अवेलेबल है इट तो वॉरियर्स अब बढ़िया से दमदार तैयारी में लग जाओ नोटिफिकेशन आ चुका है और जो मेरे चीते कहते हैं कि सर की बारी एग्जाम फतेह करके दिखाएंगे अपने बदन पे वो ब्लू यूनिफॉर्म से जाएंगे वो सभी बच्चे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिएगा मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में टाइम जय हिंद